पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी मार साहब माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। यहाँ पर विराजित महासाध्वी पूज्य श्री किरण प्रभा जी मार साहब के चरणों में भी हमारी वंदनाएँ अर्पित होए। अन्य सहयोगी सतीमंडल उपस्थित धर्मप्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे चतुर्थ आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का जन्म जयंती महोत्सव है और उदयपुर में बड़े ठाट बाट के साथ उसका आयोजन हुआ है। चारों तरफ जहाँ जहाँ श्रमण संघीय संत सती विराजमान है वहाँ पर उनका जन्मोत्सव आज मनाया जाने वाला है। भगवानों हमारे शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? शंकर, शंकर का अर्थ होता है महादेव, वही बात होती है। उनका नाम शिव था, शिव कुमार ही नाम था, कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो ऐसे कल्याणकारी अस्तित्व ने अपने जीवन में पहले तो बहुत ज़्यादा अनुभव लिया, पीएचडी किया उन्होंने, पीएचडी शोध प्रबंध किया, उसका विषय भी था मुक्ति की खोज। मुक्ति की खोज इस नाम पर उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ अपने हाथों से लिखा है और वो सरकार ने उसको पास किया है। भगवानों पहले तो फॉरेन भी जाके आए, वहाँ का भी अनुभव लिया, कहीं मेरा मन उधर लालायित तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे मन में अधूरी इच्छा तो नहीं रह जाएगी कि मैंने फॉरेन नहीं देखा। फॉरेन भी देख के आए, करोड़पति के बेटे थे, इतनी श्रीमंती घर में थी और उसके साथ साथ इतना सुंदर उनका रूप था, गोरे पान एकदम एकदम सफ़ेद ऐसा उनका कलर था। और चाहे जितने शादी के प्रस्ताव उनके सामने आए थे पर उन्होंने कहा मुझे भगवान बनना है, भगवान के मार्ग पर चलकर भगवान जैसा होना है। और इसके लिए उन्होंने जिद्द के साथ 1972 में दीक्षा ग्रहण करी। पूज्य आत्माराम जी मारसा पहले आचार्य थे, उनके शिष्य ज्ञान मुनि जी मारसाब थे और ज्ञान मुनि जी मारसाब के ये शिष्य बने। और शिष्य बनने के बाद उन्होंने तपश्चर्या, पहले तो अभ्यास खूब किया, तत्व ज्ञान खूब समझा, उसके बाद उन्होंने वर्षी तप चालू कर दिया। 33 वर्ष हो गए हैं वो वर्षी तप कर रहे हैं, बिना पारने का वर्षी तप उनका हो रहा है। साल के ऊपर साल निकल जाते हैं पर वो वर्षी तप का पारणा करते नहीं हैं। अभी 33वां वर्षी तप उनका चल रहा है। भगवानों पंजाब के लोगों में उनके प्रति इतनी आस्था निर्माण हो गई थी कि यहाँ जब सम्मेलन था अपना पूना के अंदर, तब पंजाबी लोगों ने कहा हमारे इस संत को आचार्य बनाओ। तब उनको दीक्षा लिए खाली 15 साल हुए थे, उस समय उनको युवाचार्य पद प्रदान किया गया, युवाचार्य बनाया गया और 27 वर्ष की उम्र में उनको आचार्य पद की चादर भी ओढ़ाई गई। इतना सब कुछ होते हुए भी उनके मन में था भगवान बनने का रास्ता मुझे खोजना है। और न जाने ध्यान सीखने के लिए कहाँ कहाँ वे गए, श्री श्री रविशंकर, ऋषि प्रभाकर, इगतपुरी वाले गोयंका जी, हर जगह जाकर के आत्मा का अनुभव लेना है, ध्यान सीखना है, ध्यान सीखना है, ध्यान सीखना है। लोगों ने बदनामी करी, निंदा करी, कुछ भी किया पर उन्हें तो सीखना ही था और वो ध्यान सीख के रहे। अभी रात दिन उनकी एक तरफ तपश्चर्या चल रही है और दूसरी तरफ बस व्याख्यान में ध्यान ध्यान और ध्यान, ध्यान करो, ध्यान के सिवा कुछ नहीं, ध्यान करो, ध्यान के सिवा कुछ नहीं, इस तरह से उनको ध्यान की लगन लगी है। उपवास के दिन तो पूरा ही उनका ध्यान में जाता है, पारने के दिन भी बहुत थोड़ा टाइम खाने के लिए देते हैं, बाकी सारा ध्यान में उनका टाइम जाता है। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने विहार कितना किया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक, हर जगह जाके आए हैं। अपने पैरों को भी खूब चलाया है उन्होंने, खूब यहाँ का अनुभव लेके वे गए हैं, नगर भी आए हैं, पुना भी गए हैं और अब भी हमारा संग उनकी विनंती को गया है उदयपुर के अंदर।
न जाने कहाँ वे हा भरते हैं। पूना का भी संग गया है, नगर का भी गया है, राहता के भी गया है, पर हमारे महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब युवाचार्य है, उनका कहना है कि गुरुदेव की गादी पर उनका चौमासा होना चाहिए। अब क्या होता है तो ये आगे भविष्य बताने वाला है। भगवानों, ऐसे हमारे शिवाचार्य एक महान संत है। इस कलयुग में ऐसे संत का मिलना बहुत कठिन है। 18 पाप जो हमने बताए, वो उन्होंने माया मृषावाद तो कब का छोड़ दिया। अंतर बाहर बासरी जैसे सरल निर्मल और स्वच्छ रहते हैं। कोई कपट नहीं, कावा नहीं, दाव नहीं, पेच नहीं, कुछ नहीं, बस अंतर बाह्य एक रहने की उनकी सहज स्वभाव उनका बन गया है। ऐसे हमारे आचार्य के प्रति हम भी यहाँ से अपनी वंदनाएं उनको भेजेंगे। महाराष्ट्र से वंदन स्वीकारो गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का महा। गुणवान ज्ञानवान लक्ष्य ध्यान का, लक्ष्य ध्यान का बढ़ा गौरव अपार, लाभ संघ का बड़े गुणवान ज्ञानवान, लक्ष्य ध्यान का, लक्ष्य ध्यान का बढ़ा गौरव अपार, लाभ संघ का भरे यौवन में अशिव्रत स्वीकारे किया, भरे यौवन में अशिव्रत स्वीकारे किया, मन की कमजोरियों का इनकार किया, मन की कमजोरियों का इनकार किया, वर्षी तप का कठिन व्रत जो धार लिया, वर्षी तप का कठिन व्रत जो धार लिया, प्रण पूरा हुआ शिव गुरुवर का महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। बीता बचपन अमीरी में सब जानते, बीता बचपन अमीरी में सब जानते, ऊंच कर ली पढ़ाई भी सब मानते, ऊंच कर ली पढ़ाई भी सब मानते, गौर वर्ण भी पाया बड़ी शान से, गौर वर्ण भी पाया बड़ी शान से, आत्म ध्यान बढ़ा शिव गुरुवर का महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का। श्रमण संघीय चौथे आचार्य महान, श्रमण संघीय चौथे आचार्य महान, ज्ञान में ध्यान में तप में फूकी है जान, ज्ञान में ध्यान में तप में फूकी है जान, कड़ी मेहनत मनोबल का है श्रेष्ठ स्थान, कड़ी मेहनत मनोबल का है श्रेष्ठ स्थान, रहे नाम अमर शिव गुरुवर का महाराष्ट्र से वंदन पर गुरुदेव, आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज, शिव गुरुवर का बड़े गुणवान ज्ञानवान, लक्ष्य ध्यान का, लक्ष्य ध्यान का बढ़ा गौरव अपार, लाभ संघ का महाराष्ट्र से वंदन स्वीकार गुरुदेव,
आचार्य महादेव जन्मदिन शुभ है आज शिव गुरुवर का। हर्ष 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 आचार्य शुंगनि जी महाराज साहब की। हाँ, आचार्य भगवान ने अपने आचार्य भगवान ने उनको ये आचार्य पद अपने जाने से 5 साल पहले दे दिया था। भगवानों, इस तरह से ये हिम्मत का काम होता है। भरी जवानी में, घर की श्रीमंती में, सुंदर रूप के होते हुए भी संसार को छोड़ना और इधर आ जाना, बड़ी हिम्मत लगती है। आज मंगलवार है और मंगलवार का मंगल जो होता है, कहते हैं मंगल करे दंगल, पर मंगल अच्छी भी दंगल करता है और बुरी भी दंगल करता है। भगवानों, उनका भी मंगल जरूर कैसा होगा? स्वगृही का मंगल होगा, स्वगृही का मंगल होगा, जो ताकतवार मंगल होता है। मंगलवार के दिन मंगल की भावना करते हुए मंगल को भी हमें देखना है। मंगल का कलर लाल होता है। मंगल का कलर कैसा होता है? लाल होता है। वो धरती का पुत्र होता है मंगल, और मंगल जो होता है हिम्मत बहादुर होता है। कैसा होता है? हिम्मत बहादुर होता है और हमेशा कर्तव्य निष्ठ होता है। कर्तव्य निष्ठ, उसके अंदर कर्तव्य की निष्ठा और साहस, दो मंगल के गुण होते हैं। हमारे आचार्य भगवान में कर्तव्य निष्ठा भी इतनी थी, श्रमण संघ के वफादार रहे, आचार्य भगवान के प्रति समर्पित रहे, जिन शासन के प्रति पूरी कुर्बानी उनको दी, उन्होंने दी है, और इस तरह से साहस दिखाया, तपश्चर्या का, ध्यान का, साधना का ऐसा साहस दिखाया है उन्होंने कि लोग देखते ही रह जाए। भगवानों, हम तो क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी बातों में डर जाते हैं। किसने हाँ कहा कि गए काम से, थोड़ा सा किसने हो कहा कि गए काम से। हमारे आचार्य भगवान साहस की साक्षात प्रतिमा है, साहस की साक्षात प्रतिमा है, और कर्तव्य निष्ठा भी उनकी अपने आप में अनोखी है। भगवानों, लोगों के पास पैसा बहुत होता है पर खर्च करने की हिम्मत नहीं होती, खर्चा नहीं किया जाता, हिम्मत लगती है सारी बातों को। इस तरह से अपने जीवन को कुर्बान कर देना कोई छोटी बात नहीं होती, और एक बार इधर मुंह किया कि वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना, इसके लिए बड़ी हिम्मत लगती है। हमारे आचार्य भगवान में ऐसी हिम्मत थी और करके दिखाया। दूसरी बात, लोगों के पास मन का बल बहुत होता है पर मैदान में उतर करके युद्ध खेलना सभी को नहीं जमता। चाहे जितनी अंदर में हिम्मत है पर हिम्मत प्रैक्टिकल में नहीं आती। प्रैक्टिकल हिम्मत होना ये भी मंगल का बहुत बड़ा गुण है। लोग कहते हैं पत्रिका मंगलिक है, मंगलिक मंगल की पत्रिका है। मंगल की पत्रिका यानी क्या? हिम्मत वाली पत्रिका है, पति से आगे जाने वाली पत्रिका है, ये कभी भी न डरने वाली पत्रिका है, उसको कहते हैं मंगलिक की पत्रिका, मंगल की पत्रिका होती है। भगवानों, हमारे पास तैरना लोगों को बहुत आता है पर समुद्र में उतर के तैरना सभी को जमता नहीं है। हम तो इतना सा संकट आया कि घबरा जाते हैं। संकटे जराशी एता कुणी विरोध थोड़ा करता, जो भी उनी मागे झाला तो जीवंत सुनी मेला, कर्तव्य परानुख झाला तो जीवंत सुनी मेला। थोड़ा सा भय का वातावरण तैयार हुआ कि थर 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 धूझने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औरतें होके गई है जिन्होंने अपने पति को संग्राम में भेजा है। नई शादी हुई थी, राजस्थान की एक महिला थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, इतनी सुंदर थी वो जिसके साथ शादी हुई थी, वो तो उसके पीछे पागल हो गया था, उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। कि उस समय संस्थानिक राज्य होते थे तो राज दरबार की तरफ से ऑर्डर आया कि तुरंत युद्ध मैदान की तरफ सारे सैनिक आ जाए,
सारे सैनिक युद्ध मैदान में आ जाए। और ये कहता है, बाप रे मेरे से तो जाना नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ के जा नहीं सकता, अभी मेरी नई नई शादी हुई है। उस सौभाग्यवती ने कहा, मैंने बहादुर के साथ शादी की है, कायर के साथ शादी नहीं की है। अगर राजा का हुक्म आया है कि युद्ध के मैदान में आओ तो आपको जाना ही चाहिए, कुछ भी हो। ऐसी रोती नहीं बैठ थे जाओ तो मारो मन कट ला गिलान, मैं कई करूलान थे जाओ मती ना। ऐसी हमारे देश की, हमारे राजस्थान की नारिया ऐसी बहादुर नारिया थी। उसने कहा, अगर बुलावा आया है तो पहले कर्तव्य, पहले हिम्मत, बाद में दूसरी बात। और उसको बेचारे को तैयार होना पड़ा, जाना पड़ा, युद्ध के मैदान में गया। पर मन कहाँ लगता है, तलवार चलाने में मन नहीं लगता उसका, उसको तो बस अपनी घरवाली ही याद आ रही है, उसी का चेहरा सामने दिख रहा है, वही आनंद उसको अच्छा लग रहा है। उसने कहा, नहीं मेरा मन युद्ध में नहीं लगता, मैं वापिस जाऊंगा। वापिस वो घोड़े पे बैठ करके अपने गांव की तरफ आने को निकला। हमारे राजस्थान का ऐसा रिवाज था कि घर घर में जाकर चूड़िया वाली चूड़िया बेचती थी, चूड़ी वाली चूड़िया बेचने के लिए घर घर जाती थी और चूड़िया पहना के आती थी। योगा योग ऐसा हुआ कि चूड़ी वाली उनके घर पर आई और उसने कहा, चूड़ी ले लो भाई साहब, चूड़ी ले लो भाई साहब, चूड़ी ले लो भाई साहब। और इधर तो ये यशवंत इसका नाम था, इसका नाम क्या था, यशवंत नाम था। ये यशवंत आकर के घर के सामने खड़ा हो गया और उसकी औरत, उसने देखा मेरे पति अब तक तो विजय की पताका फड़कने का घंटा नहीं बजा है, अब तक विजय हमारे हाथ में आई नहीं है, हमारे राजा की विजय हुई नहीं है और हमारे साहब वापिस घर पर आ गए हैं। उसने उस चूड़ी वाली को कहा, मणिहारी जारी सखी अब न हवेली आओ। क्या कहा, मणिहारी जारी सखी अब न हवेली आओ, पति मुआ घर आविया। मरेड़ो धनी मारो घरे आए गए, कही कहे पति मुआ घर आविया, विधवा किसा बनाओ, मैं तो विधवा हो गई, मेरा पति संग्राम में पीठ दिखा करके आ गया, मैं तो विधवा हो गई हूँ, विधवा कैसी अब चूड़िया पहनेगी। मणिहारी जारी सखी अब न हवेली आओ, पति मुआ घर आविया, विधवा किसा बिनाओ। अब मुझे कैसा, कैसी चूड़िया पहनना, कैसा ये करना। बेचारा यशवंत तो काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। एक तो उसके प्रति इतना मोह और दूसरी तरफ वो ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि घर के अंदर जाऊँ या वापिस जाऊँ। तब तक तो वो वापिस शेरनी दहाड़ गई। उसने कहा, यो गहनो यो बेसब कीजे धारण कंत। ये म्हारी बंगड़िया थे पेर लो, किने कहो, यशवंत ने अपने पति को कहा, यो गहनो यो बेसब कीजे धारण कंत, हु जोगण किन कामरी चूड़ा खर्च मिटन। मैं जोगन किस काम की, चूड़े ही पहनती रहूं और चूड़े ही बदलती रहूं, नहीं अब ये मेरे गहने मेरे कपड़े आप पहनो और आपकी तलवार मेरे हाथ में दो, मैं जाऊंगी मैदान में, मैं युद्ध लड़ूंगी, आप घर में बैठे रहो, मेरे कपड़े पहनो मेरे गहने पहनो। बेचारा तो मर के पानी हो गया। उसने कहा, भाई घर के अंदर अब नहीं जाना, जाना है तो उधर ही जाना। वापिस उसने अपना मुंह घुमाया, वापिस मैदान में गया और देखा कि घर में तो 3 कौड़ी की कीमत है, वापिस गए तो 3 कौड़ी की कीमत होने वाली है, इसकी अपेक्षा तो मैदान में मर जाना अच्छा। ऐसा जोर लगा के उसने युद्ध किया कि देखते देखते विजय अपनी तरफ आ गई, विजय का डंका बज गया, चारों तरफ विजय राजा का हो गया। और जब यशवंत आया तब इस सौभाग्यवती ने तिलक लगा के उसका स्वागत किया और कहा कि आज मैं सौभाग्यवती हो गई, सच्ची सौभाग्यवती हो गई, ऐसा मेरा वीर जो जा करके युद्ध जीत करके आए हैं, ऐसे मेरे पति हैं, आज मैं सच्ची सौभाग्यवती हो गई हूँ। भगवानों, हमारी यहाँ की औरतें भी इतनी हिम्मत वाली,
राजस्थान की औरतों में ऐसी ताकत थी, जौहर करना है तो अग्नि में कूद पड़ी। 3000 औरतें अग्नि में जलती अग्नि में कूद पड़ी और ऐसा समय समय पर अपनी हिम्मत को दिखाया है। आज का मंगल कहता है, मंगलवार की प्रेरणा है हमको, कल हम बुधवार देखेंगे। बुधवार कौन सा संदेश लेकर के आता है वो कल हम देखने वाले हैं। भगवानों हमें चाहिए, छोटी मोटी बातों का डर तो हमें रखना ही नहीं चाहिए। किसी ने छींक दिया तो कहते अपशकुन हो गया, बिल्ली आड़ी चली गई तो कहते अपशकुन हो गया। ऐसे अपशकुन होंगे, बिल्ली को ज़्यादा समझता है या हमको ज़्यादा समझता है? सामने विधवा आ गई तो कहते अपशकुन हो गया। लकड़े की गाड़ी भर के जा रही है तो अपशकुन हो गया। कैसे अपशकुन होता है? आपके अपने कर्म हैं, आपका अपना भविष्य है, आपकी अपनी हिम्मत चाहिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जो हिम्मत से काम लेता है उसको खुदा भी मदद करने के लिए आता है। हमारे माता जी मार साहब के लिए दीक्षा लेना इतना कठिन काम था, गांव के प्रतिष्ठित सेठ थे वो, और घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं थी, सर्व संपन्न था। कहते थे घर में अनाज चीजें बारे सुगंध नहीं आवे दुकान में तो कई खायो, ऐसे उनको हर चीज ऊंची पसंद थी। घी हो, अनाज हो, दाल हो, ऊंची पसंद थी, ऊंची पसंद उनकी थी। और गांव में प्रतिष्ठा प्राप्त घर था, और ऐसे में माताजी मार साहब कहते मैंने दीक्षा लेनी, कितना कठिन काम था पर हिम्मत थी उनकी। लोगों ने डर बताया, शांता पाई थे दीक्षा लेवाने उभारे हो अंथाना धनी ने हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ नहीं होता, मेरा नौकार मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, और मुझे दीक्षा लेनी और लेनी है। बिना झगड़ा किए प्रेम से उनके मन को ऐसा तैयार किया, इतना धर्म किया, 108 बन्ना करना, 108 लोगस का कौशक करना, सारा धर्म दार 5 साल तक। घर में पिताजी को बहुत फ्रूट लाने की आदत थी, सब्जी हरी हरी सब्जी लाना और बड़े सा इतने सारे फ्रूट लेके आना, पर 5 साल तक माताजी मार साहब छुए नहीं एक भी फ्रूट को। अनार का तो वहाँ आगर है, इतने अनार नहीं अंगूर का, अंगूर के बगीचा वहाँ इतने लगे हुए होते हैं, अंगूर के छाबड़े इतने वहाँ आते हैं घर में, पर क्या मजाल कि एक अंगूर भी माता जी ने खाया हो, कभी कच्ची सब्जी खाई नहीं। 5 साल तक बहू ने जो रसोई करी वो चुपचाप खा लेना, रोज की 1.5 पोर्शी करना, 5 सामाई करना, फिर नीचे उतरना, 1.5 पोर्शी का पालना करना। इस तरह से इतना धर्म ध्यान उन्होंने किया दीक्षा के लिए, और लोगों ने न जाने कितना डर बताया। उनकी सहेलियां कहती थी आओ महाना तो थाना जैसा है नहीं, तई भी मावाना ला रही एड़ा है जाने छोड़न दी मानवी हिम्मत नहीं, थाना तो इतना चोखा साथीदार है थे कि कर छोड़ो या नहीं। माताजी मासा कहते एक तरफ दीक्षा एक तरफ पूरा संसार है, मुझे तो दीक्षा लेनी है। हिम्मत से दीक्षा ली, लोगों ने डर बताया था दीक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे और आपके पिताजी तो हार्ट फेल से नीचे गिर जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ऐसी हिम्मत रखी तो हमारे दीक्षा के 9 साल तक पिताजी रहे, और हर साल गाड़ी लेकर के दर्शन के लिए आते थे। लोग के इलाकियान में झगड़ा होगा जी को दीक्षा ले ली, नहीं हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं है, मैंने प्रेम से आज्ञा दी है और तब दीक्षा ली है। हर साल दर्शन के लिए गाड़ी लेकर के आते थे, अपना चौका लगाते थे और शान से दर्शन करके जाते थे। भगवानों हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ऐसी हिम्मत माता जी मार साहब में थी, ऐसी हिम्मत उस यशवंत की पत्नी में थी, ऐसी हिम्मत हमारे अंदर। आज का मंगल कहने आया है, मंगल धरती का बेटा होता है, मंगल का कलर लाल होता है, और लाल रंग कहता है इनकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता ही जिंदगी है, स्वतंत्रता ही जिंदगी है, आत्मा की तरफ झुकना ही जिंदगी है। वो काम माताजी मार साहब ने करके दिखाया, छोटी बड़ी बातों से डरना नहीं चाहिए। हमने भी ऐसे प्रयोग करके देखे हैं, बिल्ली आड़ी गई तो क्या हुआ, तो रास्ता बदल देना, क्या नहीं बदलना, जाना आगे क्या होता है देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। किसी ने छींक दिया,
कुछ नहीं हुआ। जिस दिन हमारे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 8 मार्च का दिन था, और 8 मार्च हमारे लिए ओख का दिन था। हमारे वसंत माला जी महाराज साहब का ऑन द स्पॉट वे एक्सपायर हो गए थे, और 8 तारीख वापस अगले साल आई और लोग के हमारे ग्रुप के कहने लगे आज 8 तारीख की आज कठित बारे जाओनों ने। मैं कहा आज तो मुद्दा में जाओनों बारे कई वेज को देखा। हम गए बाहर, लोगों के घर गए, सब कुछ दिन भर अच्छा बिता के वापिस आए, कुछ नहीं हुआ। वो ओक पार देना और कह देना कि नहीं आज तो अपना घर ही सो उड़ो पास अगली साल भी उसोस कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंधश्रद्धा से भगवान महावीर ने हमेशा दूर रहने को कहा है। अंधश्रद्धा मत रखो, कच्ची श्रद्धा मत रखो, श्रद्धा रखो अपने आत्मा पर, श्रद्धा रखो अपने कर्मों पर, श्रद्धा रखो अपने कर्तव्य पर। भगवानों आज का मंगल भी कहने आया है हिम्मत की कीमत होती है, हिम्मत कभी हारना मत, हिम्मत कभी छोड़ना नहीं, हिम्मत से सारे काम अपने आप सरल हो जाते हैं। भगवानों आज का मंगलवार हमें हिम्मत की प्रेरणा देने आया है, कर्तव्य दक्ष की प्रेरणा देने आया है, और ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत है, इसके लिए उनके चरणों में भावयुक्त वंदना करके हम अपने विषय को यही विराम दे रहे हैं।